चलिए यहां से आपको मेंस वाला टॉपिक भी शुरू हो जाएगा इस चैप्टर से। तीसरा चैप्टर है, मेंस का टॉपिक भी यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अब इधर हाल फिलहाल में कोई एग्जाम होगा तो उसमें पूछेंगे, क्योंकि अब पूछ चुके हैं ये। आपने बताया कि लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें ओरिजिन पूछ लिया, कैरेक्टरिस्टिक भी पूछा जा चुका है, जबकि कैरेक्टरिस्टिक इसमें सिलेबस में आपके कहीं मेंशन नहीं है। शायद देख लें, शायद मेंशन नहीं है। ठीक है, जो कुछ चीजें मेंशन है ना उसमें डेटिंग वगैरह जो मेंशन होगा वो सिर्फ पीटी के लिए है, क्योंकि आपके पीटी का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव नेचर के लिए। कुछ चीजें उसमें प्योरली ऑब्जेक्टिव नेचर में जाएगा, वो नहीं कि उसका भी मेंस पढ़ा दिया जाएगा। और सब्जेक्टिव नेचर में मेंस ही होगा बट ऑब्जेक्टिव नेचर में जाएगा कुछ चीजों को, उसके लिए सब्जेक्टिव नेचर नहीं जानना आपको है। ठीक है, जो सब्जेक्टिव नेचर में आ सकता है उसमें दो ही टॉपिक उम्मीद है कि आएगा। एक तो दिया हुआ है बहुत क्रिस्टल क्लियर शब्दों में, ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, और दूसरा नहीं दिया हुआ फिर भी पूछ चुका है, वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये दो चीजें हैं, बाकी कोई चीज उसमें दिया हुआ है तो वो नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, उसको आप लोग कहीं से भी कोशिश नहीं करेंगे कि उसे सब्जेक्टिव नेचर में हम जाएं, ऑब्जेक्टिव नेचर में ही उसको पढ़ाया जाएगा जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें। ठीक है, तो दो तीन टॉपिक चार टॉपिक होंगे शायद, लिखा है किसी के पास सिलेबस क्या है यहाँ पर? लाइव, हाँ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा हुआ है, नहीं फीचर्स तो लिखा हुआ है, मैं कैसे भूल गया। ओरिजिन, एंटिक्विटी, एक्सटेंट, ऑथरशिप, ये सब जो है आपको ऑब्जेक्टिव नेचर में जाएगा सिर्फ। ठीक है, ओरिजिन और मेन फीचर्स इसके, ये सब्जेक्टिव नेचर में जाए, इसी से क्वेश्चन आएंगे भी, बाकी किसी से नहीं आएंगे, तो इसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, लीजिए हड़प्पन कल्चर। तो हड़प्पन कल्चर की डिस्कवरी कैसे शुरू हुई, किस तरीके से हुआ, कुछ आइडिया तो होगा ही आपको। पहले व्यक्ति जिसका नाम था, अरे भूल रहे हैं आप लोग, हैं भूल रहे हैं, हैं? अच्छा, इससे पहले तो नाम देख लेते, कई नाम से इसे जाना जाता है, ये पहले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बार इसका महत्व किसने बताया था? सबसे पहली बार हड़प्पन माउंड का इंपॉर्टेंस बताया था एक अंग्रेज ने। देखिए, इसमें सबसे पहले जो महत्व बताया गया था ना उसका नाम आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपके एग्जाम में हो सकता है ना पूछा गया हो, और एग्जाम में पूछा गया है, जैसे रॉबर्ट ब्रूसफुट का नाम आता है ना वैसे उसका भी नाम आता है। ठीक है, नाम था उसका चार्ल्स मैसन, ये नाम बताया हुआ आप लोगों को है, चार्ल्स मैसन। हड़प्पा नामक टीले पर गया था वो, पाकिस्तान में प्रेजेंट डे में है, हड़प्पा माउंड पर गया था वो। ही वॉज एक्चुअली जियोलॉजिस्ट, भूगर्भ शास्त्री था, तो जमीन के अंदर जो चीजें होती है ना दबी हुई उसके बारे में लोग पता लगाते हैं। तो इसने ऊपर से ही देख करके पता लगा लिया था कि इसके नीचे कोई सभ्यता दबी हो सकती है। ये घटना, इस घटना के करीब 95 साल बाद यहां पर एक्सकेवेशन शुरू हुआ था, 1826 की घटना थी, जब चार्ल्स मैसन ने यहां पर ये गया था और इसके बारे में पता लगाया था कि यहां पर कोई सभ्यता दबी हो सकती है। और 95 साल के बाद यहां पर एक्सकेवेशन शुरू हुआ था, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और राखोल दास बनर्जी ने उसे 600 किलोमीटर दूर मोहनजोदाड़ो में एक्सकेवेशन स्टार्ट करवाया था, जिसमें 8 से 10 साल लगे थे, नॉर्मल एक्सकेवेशन नहीं था। ठीक है, और ना इतनी टेक्नोलॉजी थी उस समय एक्सकेवेट करने की, तो 8 से 10 साल लगे और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उसमें पाए गए। पहले इसके थोड़ा सा नॉमिनक्लेचर पर देख लेते कि नामकरण कैसे हुआ इसका है। जैसे इसे हड़प्पा का कल्चर भी कहा जाता है, ब्रोंज एज कल्चर भी कहा जाता है, इसे कई बार इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, कई बार कहा जाता है। ठीक है, और कई बार इसे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द कंट्री कहा जाता है। ये चार नामों से जाने जाते हैं, हड़प्पन कल्चर, ब्रोंज एज कल्चर एंड फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये नाम में से एक नाम जो सबसे पुराना इसका रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन तब तक ठीक था
जब तक कि इसके साइट्स इंडस वैली में मिले। जब इसके साइट्स का विस्तार इंडस वैली के बाहर हो गया और दूसरी दूसरी रिवर वैलीज में हो गया, तब इसके नाम को थोड़ा सा चेंज किया गया। जनरली रिवर वैलीज के आधार पर सभ्यताओं का नाम रखा जाने की परंपरा है दुनिया भर में। रिवर वैलीज, जैसे आपको मैं बता दूं, दजला फरात रिवर वैली सिविलाइजेशन, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। और इसी तरीके से नाइल रिवर सिविलाइजेशन, नील नदी की सभ्यता, ठीक है। तो रिवर वैली सिविलाइजेशन वो भी है। तो जनरली जो है रिवर वैलीज को क्रेडल ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन माना जाता रहा है, यानी नदी घाटियों को जो है ना पालना माना जाता रहा है सभ्यताओं का। और भारत में भी सिंधु नदी घाटी में शुरू में जो इसके साइट्स मिले, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। लेकिन बाद में जब इसका एक्सटेंशन हुआ, तब नाम चेंज करने की समझदारी दिखी लोगों में। तो जनरली दूसरा जो तरीका होता है उस वैली, उस सिविलाइजेशन के नामकरण का, नॉमिनक्लेचर करने का, वो तरीका होता है पहली बार जिस जगह पर इसे एक्सकेवेट किया जाए या डिस्कवर किया जाए उसके नाम पर इसको हम रख देते हैं उसका नाम। तो पहली बार जो एक्सकेवेट किया गया वो हड़प्पा में किया गया, तो इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया। अगर मोहनजोदड़ो में करते तो मोहनजोदड़ो सभ्यता हो जाता, जहां पर एक्सकेवेट करते वही नाम हो जाता है इसका। अभी फिलहाल इसका हड़प्पन कल्चर नाम है, ठीक है। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बार, अब देखें कि कम्युनिटी, छोटे विलेजेस, बड़े विलेजेस, अब शहर, और चालकोलिथिक कल्चर के कुछ शहर, कुछ गांव जो है वो शहरीकरण के स्तर तक पहुंच चुके थे, लेकिन वास्तव में इस काल में वेल प्लान्ड सिटीज बने। पहली अर्बन सिविलाइजेशन इसीलिए कहा जाता है इसको है। ब्रोंज का इस्तेमाल पहली बार किया इन लोगों ने भारत में, मिक्स मेटल है, ब्रोंज का इस्तेमाल पहली बार किया, इसलिए इसको ब्रोंज एज कल्चर भी कहा जाता है। तो इन नामों से जाना जाता है, हड़प्पन कल्चर, ब्रोंज एज कल्चर एंड फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन नाम नॉर्मल है। लेकिन जो एक नाम इसका है इंडस वैली सिविलाइजेशन, पुराना नाम था, अब इसे नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इंडस वैली से बाहर ये सभ्यता फैल गई है। आज इसका विस्तार जो है जितना है वो लगभग आज के पाकिस्तान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, ठीक है। यानी पाकिस्तान के बराबर का थोड़ा बड़ा ही होगा ये, इतना जितना बड़ा इसका एक्सटेंशन इस सभ्यता का है। तो कम से कम इस सभ्यता के लिए कहा जा सकता है केवल इंडस वैली के नाम से इसे जानना ठीक नहीं है, ठीक है। तो लिख लेंगे, बल्कि इस लाइन को सभी लोग लिख लें। लाइन को क्या लिखें, सीधे सीधे लिख लें, इसे प्रीवियसली इंडस वैली भी कहा जाता इंडस वैली सिविलाइजेशन। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। तो सबसे पहली चीज जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके सबसे विवादित पहलू पर, विवादित तो कई चीजें इसमें, ओरिजिन भी विवाद में है, फिर भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो उस विवाद का सोल्यूशन कैसे है वो बताया जाएगा आपको। इसकी एक चीज और विवादित है, वो डेटिंग, डेटिंग को लेकर के विवाद हुआ है इसमें, ठीक है। तो पहला टॉपिक मैं यही लेने जा रहा हूँ, देन आफ्टर हम लोग इसके और एलिमेंट को देखेंगे। तो एक हेडिंग डाल लेंगे, डेटिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, डेटिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसकी डेटिंग को लेकर काफी विवाद है। देखा गया है कि जो नॉर्मली कॉन्सेंसस विद्वानों में बना हुआ है, ऑथरशिप के आधार पर, अपने अपने अनुभव के आधार पर जो बना हुआ है, वो इसमें बना हुआ है 2500 से 1500, ठीक है। 2500 के आसपास, इनफैक्ट 2350 के आसपास इस सभ्यता जो है अपने क्लाइमेक्स पर थी, ठीक है। सबसे प्रॉस्परस स्टेज में थी, सबसे क्लाइमेक्स पर थी, और 1750 के आसपास ये डिक्लाइन होना शुरू होता है। प्रॉस्परस कब तक थी? जब तक कि मेसोपोटामिया से ट्रेड रिलेशन चलता रहा, तब तक। जैसे मेसोपोटामिया का खत्म हुआ ट्रेड रिलेशन इनसे, वैसे ही ये सभ्यता डिक्लाइनिंग फॉर्म में चली गई।
अब सभ्यता है, डिक्लाइन तो एक बार में हो नहीं जाएगी, थोड़ा समय लगेगा। तो 1500 तक डिक्लाइन हुई और 1500 के आसपास भारत में आर्यन लोग इंटर कर गए। आर्यन लोग वहीं पर जाकर सेटल हो गए जहां पर पहले हड़प्पा सभ्यता थी। इसका मतलब है कि दे रिप्लेस्ड हड़प्पन पीपल, दे रिप्लेस्ड द सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा एंड सेटल्ड अ न्यू सिविलाइजेशन देयर दैट वाज रूरल सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग डिक्लाइन कर रहे थे, डिक्लाइन हो चुके थे, ऑल्दो दे वर रेजिडेंट्स ऑफ देयर। ऋग्वेद में कुछ नाम मिलते हैं, उसमें एक नाम आता है दस्यु, एक शब्द आता है दस्यु, और दस्यु शायद लोकल इनहेबिटेंट्स थे, हड़प्पा के लोग थे, यानी यहाँ के मूल निवासी थे। और ये दस्यु शब्द में दस्यु की हत्या करने का बार बार एग्जाम्पल मिलता है ऋग्वेद में कि दे मर्डर्ड दस्यूज बट नॉट द दासाज, आर्यंस मर्डर्ड दस्यूज बट नॉट द दासाज, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर है कि आर्य लोग दस्युओं की हत्या करते थे, दास की नहीं। तो दास आर्यन लोग ही थे बट दस्यु लोग आर्य नहीं थे बल्कि लोकल इनहेबिटेंट थे। इसका मतलब हड़प्पा के लोग रहे होंगे ये, और काले लोग थे, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वास्तव में ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, तो यहाँ के जो फिजिकल फीचर था ब्लैक का। ठीक है, ब्लैक भी क्या कहेंगे वो, ब्राउन कलर का, ब्लैक तो कह ही नहीं सकते, खैर ब्राउन कलर का। ठीक है, ब्लैक तो वो अफ्रीका वाले हैं सब, ठीक है हम लोग नहीं है। अब कुछ लोग हो जाएंगे तो अलग बात है, रिसर्च है। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, भारत में ज्यादातर लोग या तो ब्लैक कलर या येलो कलर के हो सकते हैं। ठीक है, पीले कलर के, व्हाइट भी नहीं होंगे, गलतफहमी लोग ना पाले। ठीक है, अपने आप में इस बात की गलतफहमी अगर कोई पाल रहा है कि मैं मतलब गोरा हूं, तो गोरे अंग्रेज ही हैं सिर्फ। ठीक है, हाँ वो अंग्रेजों के सामने अपने आप को ले जा करके रख लेंगे और तब देख लेंगे मिला करके किसकी स्किन गोरी है। और हमें वास्तव में येलो ही कहा जाता है, उन यूरोपीय कंट्री में, अमेरिका में हमें येलो ही कहा जाता है, हमें और चाइनीज लोगों को। चाइना के लोगों का स्किन हमसे मिलता जुलता है, बट हाइट थोड़ी सी अंतर है। ठीक है, हाइट को छोड़ करके बाकी स्किन कलर लगभग मिलता है। हाँ, उसमें पीलापन थोड़ा ज्यादा है, हमारे में ब्राउन भी कुछ लोग हो जाते हैं। ठीक है, उनमें मैंने देखा नहीं है वैसे ब्राउन कलर के लोगों को। क्लाइमेटिक चीज है वो, तो खैर क्या ही कहें, साइज छोटा, आंख छोटा, वो सब ठीक है। मंगोलियन ट्राइब है तो अपने आप में अपनी रेस को बनाए रख गए, हम लोग अपनी रेस को नहीं बचा पाए। ठीक है, हम लोग या तो हड़प्पन लोग होते अगर बचा ले जाते, तो आर्यन बाहर से एंटर कर गए और रेस मिक्स हो गई, और मिक्स हो गए तो शादी विवाह के संबंध बनेंगे, तो नए तरीके के लोग ओरिजिन होंगे, पैदा होंगे और नए तरीके के जब लोग होंगे तो कलर भी बदलेगा। और ऐसा नहीं कि भारत में केवल आर्य ही आए थे, आर्यों के बाद इन ग्रीक्स भी आए भारत में, पार्थियन ईरानी भी आए, और चाइनीज ट्राइब्स भी आए बहुत सारे, सका कुषाण हूंस, ये सब लोग मिले आपस में। ठीक है, इसीलिए हाइट भी थोड़ी छोटी बड़ी हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब चाइनीज ट्राइब जो है वो छोटी हाइट करेंगे तो हाइट भी छोटी बड़ी हो गई, किसी की बड़ी हो गई किसी की छोटी हो गई। ठीक है, और जो ट्राइबल लोग थे ना, आर्यन ट्राइबल लोग, ये बेसिकली इनकी हाइट बहुत ज्यादा ऊंच हुआ करती थी, मोर देन 6 फीट, एवरेज हाइट मोर देन 6 फीट। उधर जाएंगे ना आप लोग अफगानिस्तान, उधर ही से होकर आए थे ये लोग, अफगानिस्तान वाले लोगों को देखें, हाइट इनकी बहुत जबरदस्त होती है, बहुत ज्यादा हाइट होती है। तो हाँ, फिर पंजाब हरियाणा आएंगे तो उनकी भी हाइट ज्यादा होती है, फिर उसके बाद आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हाइट कम होती चली जाएगी, क्योंकि मिक्सअप कम हुआ है ना, उधर उधर मिक्सअप ज्यादा हुआ है, उधर से ज्यादातर आया तो उधर हुआ है लेकिन इधर नहीं हुआ। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे बिल्कुल नहीं हुआ, वहां पर देखें वैसे ही रह गए सब मंगोलियन टाइप के। ठीक है, छोटे छोटे, वहां मिक्सअप नहीं हुआ है। आप अंडमान निकोबार चले जाए तो वहां मिक्सअप नहीं हुआ, कोई गया ही नहीं वहां पर, तो वैसे ही ट्राइबल जीवन जी रहे हैं वो लोग। कई तो ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि कुछ दुनिया में कुछ बदलाव भी हुआ है, कंप्यूटर जैसी कोई चीज भी आई है, मोबाइल जैसी कोई चीज भी आई, ये सब भी नहीं पता लोगों को। ठीक है, कई ऐसी ट्राइब हैं जो एकदम से मतलब कट है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम लाइफ, और ये चीजें कहीं ना कहीं वो अपनी कल्चर को बचा रहे हैं। जैसे वहां पर बहुत सारा, जैसे जारवा लोग रहते हैं वहां पर, सेंटिलीज रहते हैं, आप उनके ट्राइबल नेचर को पढ़ लें थोड़ा सा, गूगल पर खोल करके ना सेंटिलीज जारवा ये सब पढ़ लें, पढ़ने के बाद पता चलेगा ये लोग किस तरीके कल्चर को मानते आज भी हैं, और आज भी उनमें मिक्सअप नहीं है, ओरिजिनल कल्चर वहां की है। शायद निग्रेटो हैं ये लोग, परहैप्स, मैं याद नहीं आ रहा है लेकिन शायद निग्रेटो हैं। ठीक है, अपनी अपनी कल्चर को कुछ लोग बचा लेगा, जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे तो कल्चर बच गई, बहुत हद तक बच गई, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो ब्राउन कलर के हैं, उनमें ज्यादा मिक्सअप नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन नॉर्थ वाले पार्ट में ना मिक्सअप ज्यादा हुआ है, इसमें कल्चर में देखेंगे ना आप लोग एक असिमिलेशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि अटैक इधर से हुआ ना नॉर्थ वेस्ट से, तो ज्यादातर नॉर्थ वेस्ट से अटैक में ज्यादातर नॉर्थ में पहुंच जाते थे ये लोग, और अटैक जो है बिहार और बंगाल तक हुए हैं, जैसे तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी बंगाल तक पहुंच गया। ठीक है, और उसके बाद जो है असम
में ये लोग हार जाते हैं जाकर के। असम में ज्यादा इंट्रूजन नहीं है, ठीक है, बहुत कम है, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन उसके बाद जब आप नागालैंड या मणिपुर जाएंगे और कम है वहां पर, तो उस वजह से अपनी कल्चर को बचा ले गए ये लोग। बस इधर कल्चर मिक्सअप ज्यादा हुआ है यहाँ पर नॉर्थ में, और वेस्ट से नॉर्थ तक ये ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो क्या बता रहा था, डेटिंग। हाँ, तो सर जॉन मार्शल जिन्होंने डेटिंग किया है, सर जॉन मार्शल उस समय डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जब इसका एक्सकेवेशन शुरू हुआ था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, तो उस समय डायरेक्टर जनरल थे ये, और उन्होंने इसकी डेटिंग की है 3250 to 2750 के बीच, यानी 500 वर्षों तक क्लाइमेक्स में सभ्यता रही है, जो कि मान्य नहीं है अभी, ठीक है, ये माना नहीं जाता है। दूसरे जो मार्टिमर व्हीलर थे और भी बहुत सारे हैं, इन्होंने 2500 से 1500 कहा, और सभी विद्वानों ने मिल करके बाद में इस पर कॉन्सेंसस बना लिया एक है। लेकिन इसकी कार्बन डेटिंग भी निकाली गई है, कार्बन डेटिंग याद है ना आप लोगों को, तो कार्बन डेटिंग भी इसकी निकाली गई है, जो 2350 से लेकर के 1750 के बीच मानी गई है। इसका मतलब क्या है कि सबसे जो ओल्डेस्ट फॉसिल होगा भारत में हड़प्पा सभ्यता में पाया गया ग्रेवयार्ड से उनके, वो 2350 BC के आसपास रहा होगा, ठीक है, और सबसे लेटेस्ट जो पाया गया 1750 BC के आसपास रहा होगा वो। अब रिसर्च का मामला है, रिसर्च और हो गया तो डेटिंग बदल जाएगी, क्योंकि ग्रेवयार्ड में जो कब्रें मिली हैं उसकी रिसर्च होगी तो डेटिंग बदल जाएगी, ठीक है। अब ये कब बदलता है नहीं पता, लेकिन ये मान लिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता अपने क्लाइमेक्स पर जो था 2350 के बीच था, डिक्लाइन इसका शुरू हुआ 1750 के आसपास, और डिक्लाइन होते होते ये चला गया 1500 तक, और 1500 में जब डिक्लाइनिंग मोड में था उसी समय आर्य लोग भारत आ गए, और भारत आकर के बस गए वहीं पर, उनको मारा भी इन लोगों ने, वो ऋग्वेद में मिलता है। ये नाम नहीं लिखा गया कि ये हड़प्पा के लोग हैं, वो क्या जाने के कौन लोग हैं, हम जानते हैं ना, हमने उसका नामकरण किया, उनको क्या पता, वो दस्यु कहते थे उनको बस। द वर्ड हैज बीन यूज दस्यु, दासाज एंड दस्यूज एंड पनीज एंड आर्यास, ये चार वर्ड आपको दिखाऊंगा मैं, यूज हुए हैं ऋग्वेद में अलग अलग लोगों के लिए, लिख लेंगे इस बात पर डेटिंग को। डेटिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, डेटिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, डेटिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्प्यूटेड अमंग द स्कॉलर्स, इज डिस्प्यूटेड अमंग द स्कॉलर्स। Disputed among the scholars. Second point लिखेंगे, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल गिव द डेटिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, गिव द डेटिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम 3250, फ्रॉम 3250 BC टू 2750 BC, 2750 BCE। नेक्स्ट, इट्स कार्बन डेटिंग इज एंटायरली डिफरेंट, इट्स कार्बन डेटिंग इज एंटायरली डिफरेंट अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस डेटिंग, अकॉर्डिंग टू दिस डेटिंग स्टार्टिंग पीरियड ऑफ दिस सिविलाइजेशन, स्टार्टिंग पीरियड ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज 2350 BC, स्टार्टिंग पीरियड ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज 2350 BC, 2350 BC, 23 है, 2350 BC, एंड इट्स डिक्लाइन पीरियड, एंड इट्स डिक्लाइन पीरियड वॉज स्टार्टेड, डिक्लाइन पीरियड वॉज स्टार्टेड इन अराउंड
1750 BCE, डिक्लाइन पीरियड वॉज स्टार्टेड इन अराउंड 1750 BCE. नेक्स्ट कौन लिखूं, बट आर्कियोलॉजिस्ट मेड अ कॉन्सेंसस बट आर्कियोलॉजिस्ट मेड अ कॉन्सेंसस ऑन द डेटिंग ऑफ On the dating of Harappan civilization, which is from 2500 BCE, which is from 2500 BCE. To 1500 BCE, 2500 BCE to 1500 BCE. कभी कभी कार्बन डेटिंग क्वेश्चन में पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता की, वो याद रख लेंगे ना, बाकी कोई डेटिंग नहीं पूछेगा लेकिन कार्बन डेटिंग पूछता है. ठीक है, डिस्कवरी, थोड़ा सा डिस्कवरी कर लें फिर आपको ब्रेक दे देंगे. डिस्कवरी कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है. डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो जैसा कि मैंने बताया कि चार्ल्स मैसन जो एक अंग्रेज था और जियोलॉजिस्ट था, सबसे पहली बार हड़प्पा माउंड पर पहुंचता है और हड़प्पा माउंड को देखने के बाद पता लगाता है कि ये कोई सभ्यता इसके नीचे दबी हो सकती है. अब चूंकि उस समय ब्रिटिश सरकार थी तो बहुत कोई टेंशन किसी ने लिया नहीं कि हमसे क्या लेना देना है, होगी कोई सभ्यता. लेकिन उसी दौरान यहाँ पर एक्सकेवेशन भी शुरू हुए. ठीक है, 95 साल लग गए लेकिन एक्सकेवेशन शुरू होने में. जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा माउंड की खुदाई शुरू करवाई थी और उस समय डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो थे वो थे सर जॉन मार्शल. लेकिन मैं बता दूं कि उससे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी यहाँ पर कुछ सर्वे करवाया था इस टीले पर, कुछ सर्वे अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने करवाया था. ठीक है, हाँ फादर आप, हाँ उन्हीं के समय में बना है ये एक्चुअली, तो इन्होंने करवाया था. उसके बाद जो है जॉन मार्शल का नाम आता है और जॉन मार्शल तब थे जब पहली बार एक्सकेवेशन शुरू हुआ था. हड़प्पा में शुरू हुआ 1921 में, मोहनजोदड़ो में शुरू हुआ 1922 में, और इसी समय इसके आसपास ही 5-7 साल के अंदर ही एक और एक्सकेवेशन शुरू हुआ और वह है चन्हुदड़ो का. चन्हुदड़ो में भी एक्सकेवेशन इसी समय के आसपास शुरू हुआ. तो 3 साइट्स लगभग एक्सकेवेट किए गए थे इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, और इसके बाद बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यहाँ से मिले. और इस एविडेंस से हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक बहुत ही यूनिक सिविलाइजेशन रही है, क्योंकि दोनों शहर जो मिले यहाँ पर, विशेषकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, एक वेल प्लान्ड सिटी के रूप में एक्सकेवेट हुए. यानी ये फोर्टिफाइड सिटी थे, वेल प्लान्ड सिटी थे, नालियां थी इसमें ड्रेनेज पैटर्न के लिए. बहुत सारे साइट, 1400 से अधिक साइट अब एक्सकेवेट किए जा चुके हैं, मोर देन 1400 साइट्स. ठीक है, उन साइट्स के बारे में सभी के एक्सकेवेशन नहीं जानना है, बट कुछ साइट्स का नाम मैं बताऊंगा मैप के थ्रू और फिर लिखवा दूंगा उस पर, लिख लेंगे. इन 1826 चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन ब्रैकेट में लिख लेंगे जियोलॉजिस्ट, ये भी यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया था. चार्ल्स मैसन क्या था, जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, ज्यादातर लोग आर्कियोलॉजिस्ट समझ लेंगे लेकिन जियोलॉजिस्ट था. ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट. डिस्कवर्ड हड़प्पन माउंड, डिस्कवर्ड हड़प्पन माउंड एंड टोल्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस and told about the importance of this mound. Told about the importance of this mound. Next लिख लेंगे. Later, a survey was conducted. Later, a survey was conducted. Under the leadership of archaeologist
सर्वे वॉज कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख ले, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन 1921 दयाराम साहनी स्टार्टेड, दयाराम साहनी 1921 दयाराम साहनी स्टार्टेड द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन माउंड। Started the excavation of Hadappan Mound and discovered many archaeological items. Discovered many archaeological items. Next, in 1922. राखोल दास बनर्जी राखोल दास बनर्जी स्टार्टेड एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो, स्टार्टेड मोहनजोदारो एंड डिस्कवर्ड मेनी आर्कियोलॉजिकल आइटम्स, डिस्कवर्ड मेनी आर्कियोलॉजिकल आइटम्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एट दैट टाइम डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज सर जॉन मार्शल। एट दैट टाइम डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट लिखेंगे, इन 1931 एन जी मजुमदार स्टार्टेड एक्सकेवेशन ऑफ चन्हुदरो। स्टार्टेड एक्सकेवेशन ऑफ चन्हुदड़ो। ये तीनों पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में तीनों के तीनों है। यही इसका ऑथरशिप भी है, ये टॉपिक ना ऑथरशिप का है। ऑथरशिप का मतलब इसके डिस्कवरी वाला जो पार्ट है, जिस पर कुछ चीजें, क्योंकि उस समय ऑथरशिप का मतलब क्या होता है, कोई किताबें तो लिखी नहीं गई, तो जो ऑथरशिप है वही है, इसके डिस्कवरी को लेकर के ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको ज्योग्राफिकल सेटलमेंट और मैप के थ्रू आगे। आपको कितने देर का लेंगे आप लोग है? कितने देर का ब्रेक लेंगे? ले ले, 20 मिनट में आ जाए। 20, हाँ तो 20 मिनट कहा, तो आप आधा घंटे से पहले तो आएंगे। इनको भी कर, ये अपने आप समझ जाते होंगे, जा रहे हैं।